चैनल मैं निहारिका, आपका अपने यूट्यूब चैनल मदर केयर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने बेबी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करें। तो जब हमारा बेबी छोटा होता है तो हम उनके साथ शॉपिंग जाने में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है आपके पास एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा एप्लीकेशन हो जहाँ से आप एक सारे अपने बच्चे के प्रोडक्ट एक साथ आराम से मंगवा सके। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं अपने बेबी के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करती हूँ जहाँ से मैं उसके सारे प्रोडक्ट मंगवाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं उस वेबसाइट के बारे में, कौन सा ऐसा वेबसाइट है जिस पे आपके बेबी के लिए सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो डायपर हो या बेबी के फीडिंग के लिए बॉटल हो, उसके कपड़े हो, सूज हो, आपको उस वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप इजीली घर बैठे अपने बच्चे के लिए सारे अपने बेबी के लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे उस वेबसाइट से। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि वो उसके स्टफ़ कैसे थे। साथ ही मैं बता दूं कि मैंने एक मिंत्रा से भी अपने बच्चे के लिए कपड़े मंगवाया था। तो ये तो बहुत नोन वेबसाइट है, तो मैंने सोचा मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। मैंने कभी अपने बच्चे के लिए उससे शॉपिंग नहीं करा था। तो आज मैं आपको रिव्यू बताऊंगी कि जो मैंने मिंत्रा से कपड़े मंगवाए थे और जो मैंने जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ वहाँ से मंगवाए थे, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ड्रेस मंगाई थी मैंने अपने बेबी बॉय के लिए, ये टफी हाउस ब्रांड का है। इसके साथ मैच का पैंट भी साथ में आया था और इसका स्टफ़ बहुत ही अच्छा है, खास करके पैंट का। ये जीन्स के कपड़े नहीं है तो आपका जो छोटा बच्चा है वो इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा समर्स में भी। और इसके शर्ट के जो कपड़े वो मुझे प्योर कॉटन नहीं लग रहे हैं, पर अच्छा है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, साथ में इसका वो दे रखा है। तो ये मुझे पड़ा था 975 रुपीज़ में, जो कि पूरे सेट के लिए काफ़ी अच्छा और रिजनेबल प्राइस है। तो अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा हो तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं जिस वेबसाइट का नाम ले रही थी वो है FIRSTCRY। आपने इसका ऐड देखा होगा टीवी पे और बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो ये था वो ड्रेस जो मैंने FIRSTCRY से ऑर्डर किया था। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ मैंने मिंत्रा से जो ड्रेस ऑर्डर किया था वो कैसा है। तो ये है वो ड्रेस जो मैंने मिंत्रा से मंगाया था। ये नीचे का जो बॉटम वियर है ये भी काफ़ी अच्छा स्टफ है, बॉटम वियर का भी काफ़ी डिजाइन है। और इसका साइज है 12 मंथ से 18 मंथ का। हाँ, मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि अगर आप बच्चों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप एज का ख्याल रखें और साइज चार्ट जरूर चेक कर लें, और पॉसिबल हो तो आप एक साइज बड़ा मंगाएं बच्चों के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग से कपड़े हों। तो क्योंकि अक्सर जो साइज चार्ट है उसके अनुसार कपड़े छोटे बड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चे का हाइट आपको प्रॉपर पता हो तभी आप साइज के कपड़े मंगाएं, वरना आप एक साइज बड़ा मंगा सकती हैं। तो ये था वो बॉटम वियर जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। इसके साथ में मुझे इसके साथ जो मुझे सेट मिला था तो ये कुछ रॉम्पर्स डिजाइन के शर्ट हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मैंने इसे इसीलिए ऑर्डर किया था कि ये जो बच्चों को जब हम शर्ट पहनाते हैं तो अक्सर वो इधर उधर चलते समय टकिंग नहीं हो पाते सही से। तो इसमें आपको यहाँ पे दो तीन बटन मिलेंगे तो आप इसे इजीली टकिंग करके रख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। मैंने इसे अपनी बेबी को पहना भी रखा है, मैं आपको फोटो डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप एक बार देख सकते हो। तो ये दोनों जो ड्रेस था उसमें से मुझे FIRSTCRY से जो मैंने ऑर्डर किया था उसका स्टफ ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है, आप एक बार देख सकते हो जाकर। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग करना चाहते हो तो आप गैप जो ब्रांड है वो UCB के कपड़े भी चेकआउट कर सकते हो, उसके भी प्राइस काफ़ी रिजनेबल होते हैं बेबी के लिए। लेकिन मैंने FIRSTCRY से ज़्यादा कपड़े ऑर्डर किए अपने बच्चों के लिए क्योंकि वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। तो ये दो स्टफ था जिसका आज मैं जिसके बाद एक बार चेकआउट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए अगर आप घर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपके लिए एक अच्छा आइडिया है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो आप एक बार ज़रूर FIRSTCRY को चेकआउट करें अपने बच्चे के लिए।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं फिर आपके पास आऊंगी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको दोनों में से कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही।